हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट एरर से रिलेटेड एक बेहतरीन एक्सरसाइज जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी आपके बैंक के एग्जाम्स के लिए। स्पेशली अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए एमपी टेट प्राइमरी टीचर्स के लिए भी वैकेंसी आ चुकी हैं, उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी यूजफुल होगी। इसी के साथ साथ यदि आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हों या बिहार स्टेट टेट का एग्जाम दे रहे हों, तो इनके लिए भी ये क्लास आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स में पार्ट एरर में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर पार्ट एरर के कराने के साथ साथ मैं साथ में ग्रामर भी बताता चलूँगा, जिससे आपके दोनों काम एक साथ चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हम इस क्लास को। तो पहला सेंटेंस है, टू माई ओपिनियन एडवर्टाइजमेंट्स आर मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल एंड नो एरर। आपको बताना है कि इसमें से कौन से पार्ट्स में मिस्टेक है, ठीक है। कमेंट करके जल्दी जल्दी से आप ये बताते जाइए कि यहाँ पर कौन से पार्ट में मिस्टेक हुई है। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चार पार्ट हैं, ए बी सी डी, ठीक है। यदि मिस्टेक ए पार्ट में है तो आप ए टाइप करेंगे, यदि बी है तो कमेंट में बी लिखेंगे, सी पार्ट में मिस्टेक है तो सी लिखेंगे, और कोई एरर नहीं है तो आपको डी टाइप करना है। दोस्तों, जो आपका पहला पार्ट है टू माई ओपिनियन, तो टू माई ओपिनियन नहीं होता है, ये होता है इन माई ओपिनियन, ठीक है, मेरे विचार से या मेरी राय में। तो आप यहाँ पर टू को रिप्लेस करना होगा इन में, ठीक है। तो किस पार्ट में मिस्टेक है, तो आपकी मिस्टेक हुई है ए पार्ट में, ठीक है। चलिए, सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, देयर वुड हैव बीन ए डिजास्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन नो एरर। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलता है, देयर वुड हैव बीन ए डिजास्टर, तो ये पास्ट का एक्शन है, पास्ट में एक्शन है जो नहीं हुआ। एंड फोर, अब ये जो एंड फोर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कौन सा पार्ट है, सी पार्ट में, ये जो एंड फोर है इसका कोई मतलब नहीं होता, इसके स्थान पर हम यूज करेंगे बट फोर, और बट फोर का मीन्स होता है विदाउट, याद रखिए बट फोर का मीन्स होता है विदाउट, इन विदाउट योर प्रॉम्प्ट एक्शन, ये हुआ यहाँ पर। तो किस पार्ट में मिस्टेक हुई, तो ये मिस्टेक हुई अपनी सी पार्ट में। चलिए, सेकंड थर्ड सेंटेंस है हमारा, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। दोस्तों, जब भी इफ सेंटेंस से आपके इफ क्लॉज से सेंटेंस आपको लिखा मिले, तो स्पेशली इफ क्लॉज से हमारे तीन तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। पहला सेंटेंस बनता है, वो बनता है, एक होता है प्रोबेबल कंडीशन, एक होता है प्रोबेबल कंडीशन, दूसरा जो सेंटेंस बनता है वो होता है इम्प्रोबेबल कंडीशन, एंड जो थर्ड सेंटेंस इफ से बनाया जाता है मोस्टली वो होता है इम्पॉसिबल कंडीशन। तो तीन कंडीशनल ये क्लॉज बनते हैं इफ से हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन यूज हुई है ये हुई है इम्प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन। अब ये इम्प्रोबेबल कंडीशन होती क्या है, इम्प्रोबेबल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो इमेजिनरी बोलें जिसे, यानी कि इम्प्रोबेबल कंडीशन मीन्स इमेजिनरी, यानी कि ये जो बात बोली जा रही है ये केवल इमेजिनरी है, इसका प्रेजेंट से और रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर आई के साथ, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो रहा है उसके साथ उससे अपोजिट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी तरह होता या तुम्हारे जैसा होता है, तुम्हारी जगह होता, हो तो नहीं सकता ना, तो यहाँ पर क्या है, केवल हमने इमेजिन किया है, क्या किया है, इमेजिन किया है। तो यहाँ पर हो रहा, इफ आई वर यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, तो मैं फंक्शन अटेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कोई इरादा नहीं है वहाँ जाने का, केवल मैंने यहाँ पर इमेजिनेशन किया है, बस इतना यहाँ पर हम देखेंगे। तो होता क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ आई वर यू, ओके। तो ये पार्ट है जो ए पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस नंबर फोर, द वे ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली सिंस द लास्ट सेंचुरी। यहाँ पर बताना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। तो देखिए, द वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज्ड, सबसे पहले हम देखते हैं द वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है। कई बार मैंने बताया, जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन हमारे ऑफ प्रपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला नाउन क्या है, वेज, ये क्या है, ये है आपका
प्लूरल, और यहाँ पर हमारी वर्ब कैसी लगी हुई है, ये लगी हुई है सिंगुलर। तो यहाँ पर होना चाहिए था हैज के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है द वेज ये आपका प्लूरल है, तो जो मिस्टेक है वो है आपकी बी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। सी क्रॉस्ड द रोड विदाउट लुकिंग एंड वाज नॉट डाउन बाई ए कार। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि सी क्रॉस्ड द रोड, उसने सड़क को पार किया विदाउट लुकिंग, विदाउट प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है वो हमेशा जीरंड फॉर्म में ही आती है, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। ठीक, तो सी क्रॉस्ड द रोड विदाउट लुकिंग एंड वाज नॉट डाउन बाई ए कार, बाई ए कार, तो इससे हमें ये पता चलता है, और यहाँ पर बाज वर्ब की बात किया है फर्स्ट फॉर्म पर, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर अब ये पैसिव वॉइस हो गया और बाई ए कार पैसिव वॉइस है, तो सभी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नॉट के स्थान पर यूज किया जाएगा नॉट, नॉट डाउन बाई ए कार। तो यहाँ पर जो एरर है वो है हमारा सी पार्ट में। आप भी साथ में कमेंट करते जाइए मेरे साथ में, मुझसे पहले कमेंट कीजिए, और लास्ट में आपको बताना है कि टोटल जो सेंटेंस हैं आज के उनमें से आपका कितना स्कोर हुआ है, और क्लास कैसी लगी है आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6। वियर समथिंग वार्म लीस्ट यू शुड नॉट कैच ए कोल्ड। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि वियर समथिंग वार्म, कोई कुछ गर्म चीज पहन लो, लीस्ट, लीस्ट मीन्स होता है ऐसा ना हो के, और लीस्ट क्या है, ये अपने आप में ही एक निगेटिव वर्ड है दोस्तों, याद रखिए। जिस सेंटेंस के आगे लीस्ट लग जाता है वो सेंटेंस, उस सेंटेंस में आगे नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखें। लीस्ट मीन्स होता है ऐसा ना हो के। इसके साथ साथ और भी कुछ कंजेंशंस हैं, जैसे आपका अनलेस है, जिस सेंटेंस के यहाँ अनलेस हो रहा वो सेंटेंस में कभी नॉट नहीं आएगा, इसके साथ साथ आपका अनटिल है। तो ये तीनों जो कंजेंशन है, लीस्ट, अनलेस और अनटिल, ये निगेटिव कंजेंशन है, और इसमें आपको कभी नॉट का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर शुड के साथ नॉट का यूज किया गया है, ये रॉन्ग है सेंटेंस में, तो हमारा जो मिस्टेक यहाँ पर हुआ है वो हो गया यहाँ पर बी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 7। ही आस्क्ड मी इफ आई एम इल एंड आई आंसर दैट आई वॉज नॉट। यहाँ देखना है कि कौन से सेंटेंस में मिस्टेक है। तो यदि हम ध्यान से देखें, ही आस्क्ड मी इफ आई एम इल, हमें ये नरेशन सा बना हुआ मिलता है, ही आस्क्ड मी, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच ये जो है ना, ये भी किसमें बना दी जाएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इसे पास्ट सिंपल टेंस में बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है बी पार्ट में, और यहाँ पर होना चाहिए था वाच। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल एंड आई आंसर्ड दैट आई वाज नॉट। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8। He has only coffee in breakfast. यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं, ही हैज, ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ, ही आपका सब्जेक्ट हैज आपकी मेन वर्ब है। इसके बाद देखते हैं ओनली कॉफी, ओके, तो यहाँ पर क्या है आपका इन ब्रेकफास्ट, देखिए ब्रेकफास्ट से पहले इन का प्रयोग नहीं हो रहा, फोर ब्रेकफास्ट का, फोर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, फोर ब्रेकफास्ट, ओके, तो यहाँ हो रहा ही हैज ओनली कॉफी फोर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है इस सेंटेंस में वो है आपका सी पार्ट में। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9 क्या है कि द फायर स्प्रेड क्विकली, आग तेजी से फैली एंड डिस्ट्रॉय 3 हाउसेस विद इन मिनट्स। तो ध्यान से देखें तो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है पास्ट सिंपल टेंस में, और यहाँ कोमा हो रहा, थोड़ा सा कोमा के बाद लिखना है, द फायर स्प्रेड क्विकली डिस्ट्रॉय, अब कोमा लगा दें या एंड लगा दें, वर्ब तो हमारी सेम टेंस में ही रहेगी, ठीक है ना, यहाँ पर कोई दूसरी वर्ब यूज है, ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर यूज किया जाएगा, देखिए स्प्रेड क्विकली डिस्ट्रॉइंग हो रहा, यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा, डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉइंग, स्प्रेड के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग
किया जाएगा, डिस्ट्रॉइंग थ्री हाउसेस विद इन मिनट्स। तो ये सेंटेंस है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। नो एरर, यहाँ पर बताना किस पार्ट में मिस्टेक है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इफ टू नाउंस और प्रोनाउंस आर जॉइंड बाई अ प्रपोजिशन बी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हमारा ये फर्स्ट नाउन क्या है, नॉलेज है। लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर का यूज नहीं किया जाएगा। नॉलेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आर के स्थान पर आपका यूज किया जाएगा इच। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते सेंटेंस है हमारा 11 नंबर का, ये ऑल ही चिल्ड्रन आर नोइंग एटलीस्ट वन फॉरन लैंग्वेज। यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है। तो हम ध्यान से देखें तो हम बहुत ही बेसिक मिस्टेक है यहाँ पर, नॉर्मल सी, कि ऑल ही चिल्ड्रन आर नोइंग, या ये जो नो वर्ब है ना दोस्तों, ये आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। अब ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब क्या होती है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसे हम सामान्य तरीके से कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं कर सकते। तो अब हम इसे किस में बनाएंगे, इसे बनाएंगे फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो यहाँ पर हम इस आर को हटा देंगे और नो में से ये आईएनजी फॉर्म भी हटा देंगे। अब सेंटेंस करेक्ट होगा कि ऑल ही चिल्ड्रन नो एटलीस्ट वन फॉरन लैंग्वेज। तो यहाँ पर मिस्टेक है वो है हमारी बी पार्ट में। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12, यहाँ पर है वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर ये ध्यान से देखें तो वी कैन डिसाइड इट, हम डिसाइड कर सकते हैं इसे केवल किसके बाद, फर्दर। ये जो एडजेक्टिव है ये डिस्टेंस बताता है, क्या बताता है, डिस्टेंस, फार, फार का कंपरेटिव है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, एफ यू आर टी एच या फर्दर का यूज किया जा रहा है, फर्दर। ओके, तो यहाँ पर हमें ये इसको हटा के रिप्लेस करना है फर्दर से, तो मिस्टेक है यहाँ पर बी पार्ट में। नेक्स्ट है, वी हैव लिव्ड इन द हाउस एवर सिंस माई फादर हैज डाइड। यहाँ पर हमें देखना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है, ध्यान से देखें, वी हैव लिव्ड इन द हाउस एवर सिंस, एवर सिंस के बाद आपको मैं बता दूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में एवर सिंस लगा हो तो इसके बाद आपका जो टेंस लिखा जाता है वो लिखा जाता है पास्ट सिंपल टेंस में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माई फादर हैज डाइड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो हैज है इसको यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, तो यह हमारा जो मिस्टेक है वो है हमारा सी पार्ट में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14, द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज। यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी, यहाँ पर आप देख ली कई जगह आपने क्या लिखा देखा होगा, कंसिस्ट लिखा देखा होगा, कंसिस्ट वर्ब होती है ना, कंसिस्ट है, कंप्राइजेस है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर अभी क्या यूज नहीं करना, यहाँ से हमें ऑफ को हटाना होगा, कंसिस्ट के बाद यहाँ से हमें ऑफ को अमिट करना होगा। आई थिंक मैं उसे और देख लूँगा, मेरे विचार से अभी यहाँ पर द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी, नो एरर। तो यहाँ पर ये ऑफ को हमें अमिट करना है, तो हमारे ये मिस्टेक है वो है बी पार्ट में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 15, इज देयर ए जेनरेशन गैप बिटवीन यू एंड ही, नो एरर। ये बताना है किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है। देखिए, तो इज देयर ए जेनरेशन गैप बिटवीन यू, याद रही ये बिटवीन क्या है आपका, ये है आपका प्रपोजिशन है। ठीक है, और प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन लिखा जाता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है। कौन से केस में, यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू होता है, लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव केस ही नहीं होता, ये होता है हिम। तो यहाँ पर हिम का यूज किया जाएगा सी पार्ट में, मिस्टेक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो आप इस बात को याद रखिए, बिटवीन हो या कोई भी प्रपोजिशन हो इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है।
तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मैं ज़रूर बताइए, और स्कोर कितना हुआ ये भी ज़रूर बताना है। क्लास पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि MPTET प्राइमरी का जो नोटिफिकेशन अभी आ गया है, इसके लिए लाइव क्लासेस बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएंगी 5 तारीख से, ठीक है? तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।